नमस्कार किसान भाइयों, मैं रणवीर सिंह राठौड़ और आज आपके लिए लेके आया हूँ मिनी पावर वीडर। पावर वीडर ये किस तरीके से काम करता है और इसे हम बोल सकते हैं दुनिया का सबसे छोटा ट्रैक्टर। वैसे इसे हमें मिनी पावर वीडर भी बोलते हैं, कुछ किसान इसको पावर वीडर भी बोलते हैं और जैसे कि सोच कोई किसान होता है जिसको कि ट्रैक्टर भी बोला जा सकता है, क्योंकि ये किसानों के लिए एक वरदान है, कृषि के लिए एक वरदान है। किस तरीके से काम करता है और ये क्या क्या खूबी है इसकी, इसके बारे में आज मैं सही से डिटेल्स आप लोगों को देता हूँ कि किस तरीके से काम कर सकता है और कहाँ कहाँ पे काम कर सकता है। सबसे पहले चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये 3 HP का मिनी पावर वीडर है जो कि अपने पहाड़ी क्षेत्र के लिए भी सबसे सक्सेसफुल चीज है। जैसे कि काली मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, सभी में काम कर सकता है। और जो इसकी चौड़ाई होती है, जो इसका आकार है, 1.5 फीट इसकी ब्लेडों का चौड़ाई है। और मैं सबसे बड़ी चीज है कि ये मिट्टी के अंदर 3 से 4 इंच तक की गहराई आराम से दिख कर सकता है। और जो इसकी चौड़ाई है बहुत ही कम है, 1.5 फीट चौड़ाई है। जैसे कि बगीचा है किसी के पास में या फिर कोई फूल की खेती करता है, कोई साग सब्जी कर रहा है, उसके लिए सबसे बढ़िया चीज है ये। तो इसकी जो पेट्रोल की मैं आपको बताऊं कि इसकी जो कैपेसिटी है, पेट्रोल कैपेसिटी है 1.25 है। वो 1 घंटे के अंदर 700 ml की खपत है और ये पेट्रोल से चलता है। 2:2 इसमें इंजन लगा हुआ है, 68 cc है, 68 cc का इसमें इंजन लगा हुआ है जो कि बहुत ही आसानी से चलता है। और स्टार्ट करना इसका बहुत इजी है, एक बार रस्सी खींचने से ये स्टार्ट हो जाता है, बहुत ही इजी है। इसका जो एक्सीलेटर हमने दिया है कि कई किसान भाई बोलते हैं कि सर ये हमें चलाने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है, इसको बहुत इजी है। यहाँ से पकड़ना है दोनों हैंडल से और इसका ये हाथ में हमने एक्सीलेटर दिया है कि ये किस तरीके से जितना इसको चलाना चाहे। किसान भाई बुजुर्ग आदमी चला सकता है, बच्चा, लेडीज, जेंट्स वगैरह कोई भी चला सकता है इसको, क्योंकि इसमें एक्सीलेटर दिया हुआ है जो पास में है, अपने हाथों के पास में, यही पे इसका पूरा कंट्रोल है। अगर अपन एक्सीलेटर बढ़ाते हैं तो ये सही से थोड़ा स्पीड में चलेगा, अगर एक्सीलेटर अपन घटा देते हैं तो ये बिल्कुल धीरे धीरे चलेगा। और सबसे बढ़िया चीज इसका एयर फिल्टर हमने यहाँ पे ऊपर दिया है, क्योंकि यहाँ पे पहले देते थे जिसके कारण से मिट्टी चला जाता था और वो सही से काम नहीं कर पाता था। अभी हमने इसमें एयर फिल्टर ऊपर दे दिया जिससे कि आसानी से ये चल सके, इसमें यहाँ पे डस्ट वगैरह नहीं जाती है और ये ऊपर दिया है इसी के कारण से ये बढ़िया चलता है। और इसके अंदर 2:2 इंजन लगा हुआ है जिसके अंदर हमें मोबिल मिक्स करना पड़ता है। 1 लीटर पेट्रोल के अंदर हमें 35 ml मोबिल मिक्स करना पड़ता है टूटी मोबिल, और बढ़िया से चलता है। अब हम इसके बारे में दूसरा पावर वीडर हमारा, जैसे कि 7 HP का पावर वीडर है जो हमने खुद ने तैयार करा हुआ है, हमारा खुद का मैन्युफैक्चर ब्रांड है ये सफल किसान ट्रेडिंग कंपनी का। 7 HP की इंजन है इसमें और इसकी जो रोटेटर की चौड़ाई है 3 फीट की चौड़ाई लेके चलता है। इसकी जो चौड़ाई है, इसका आकार है, ये जो रोटेटर इसमें लगे हुए 3 फीट का इसमें चौड़ाई का आकार है और जो ये ब्लेड है कुल टोटल 32 ब्लेडों का रोटेटर दिया गया है इसमें, जो कि आराम से खेत में काम करने के लिए बहुत ही सहायक है। चाहे काली मिट्टी हो, चाहे हार्ड मिट्टी हो, नॉर्मल मिट्टी, ये सभी में काम करता है। और हम इसके बारे में अभी आपको वीडियो में लाइव डेमो भी दिखाएंगे कि किस तरीके से काम करता है और किस किस तरीके से इसका प्रोसेस है। इसकी जो पेट्रोल की टैंक है वो करीबन 3 लीटर की इसकी पेट्रोल की टैंक है। इसमें यहाँ पे हमने एयर फिल्टर दे रखा है जिससे कि आराम से इसमें हमने ढक्कन वगैरह लगा रखा है कि इसमें डस्ट वगैरह ना जाए। और उसमें इजी करना बहुत ही स्टार्ट है, यहाँ से इसका एक बार रस्सी खींचता है किसान भाई, इसको आराम से यहाँ से पकड़ के एक बार खींचने पे स्टार्ट हो जाता है बहुत ही आसान तरीके से। और इसमें हमने गियर का सिस्टम दिया है, यहाँ पे हाथ का गियर सिस्टम देते हैं, एक आगे में गियर जाता है और बीच में इसमें 2 आगे में है और एक पीछे रिवर्स में गियर है। ऑन ऑफ का जो सिस्टम है हमने इस पे यहाँ पे स्विच दिया, आई ऑन ऑफ का स्विच दे रखा है, यहीं से आप चालू और इसको बंद कर सकते हैं। अब इनके बारे में बताते हैं कि इसमें क्या क्या अटैचमेंट आप लगा सकते हैं। इसमें कुल टोटल हमारे इसमें अटैचमेंट कम से कम 14 से 15 अटैचमेंट इसमें हमने तैयार कर रखे हैं जो कि आपको चाहिए। जैसे कि किसी किसान भाई को नाले बनाने के लिए चाहिए या फिर एक साइड में जैसे कोई बगीचा है उसमें एक पेड़ के साइड में मिट्टी चढ़ानी हो तो उसके लिए भी हमने इसमें अटैचमेंट तैयार कर रखा है। जैसे मक्के के बीच में चलाना हो मिट्टी चढ़ाने के लिए तो वो भी है। जैसे आलू निकालने के लिए अटैचमेंट भी इसमें हमने दे रखा है। और सबसे बढ़िया इसमें जो हमने दे रखा है कि ये PQ सिस्टम दिया हुआ है हमारे रोटावेटर में, जो कि कई बार किसान भाई कहते हैं कि सर हमें PQ का रहता है तो जिसमें वाटर पंप लगा के हम इसको सही से पानी में भी ले सकते हैं। और दूसरी